एंड वेलकम बैक टू माई चैनल क्विक रिव्यूज़। सो टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू दिस श्रेयन कॉस्मेटिक कॉन्टोर ब्लश एंड हाईलाइट पैलेट। सो इफ यू लाइक माई वीडियो सो प्लीज़ प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड गिव मी योर थम्स अप। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, मैंने श्रेयन कॉस्मेटिक्स की पैलेट amazon.com से ख़रीदा है और इसकी प्राइस मुझे 350 रुपीज़ पड़ा। इसका प्राइस अप एंड डाउन होते रहता है अकॉर्डिंग टू सेल प्राइस। इसका मैंने जो शेड लिया है वो है शेड नंबर 02। इसका नेटवेट क्वांटिटी है 28 ग्राम्स। सो गाइज, एज यू कैन सी दिस इज़ अ प्लास्टिक पैकेजिंग। एंड अब इसकी कलर्स की बात करें तो यू विल गेट टू ब्लशर। वन इज़ अ काइंड ऑफ न्यूडिस पिंक एंड अनदर वन इज़ अ काइंड ऑफ बेबी पिंक। दो ब्लशर मिल जाएगा। उसके बाद आपको मिलेगा आपको दो हाईलाइटर। वन इज़ दिस काइंड ऑफ लाइट गोल्डन काइंड ऑफ हाईलाइटर एंड वन इज़ दिस सिल्वर काइंड ऑफ हाईलाइटर। एज यू कैन सी द कैमराज कैप्चर। एंड आपको इसमें दो कॉन्टोर मिल जाएगा। फर्स्ट वन इज़ दिस डार्क कलर, इट्स अ डार्क काइंड ऑफ डार्कश ब्राउन। एंड दिस अनदर वन, ये वाला जो है ये आपको एक काइंड ऑफ हल्का सा लाइटिश ब्राउन काइंड ऑफ मिल जाएगा। तो देन यू विल गेट टू कॉम्पैक्ट्स। दिस वन इज़ अ काइंड ऑफ हल्का येलोइश बेज कॉम्पैक्ट है और ये वाला जो है ये एक वाइटिश कॉम्पैक्ट है। सो ऑल ओवर यू विल गेट टू ब्लशर्स, टू कॉन्टोर, टू हाईलाइटर्स एंड टू कॉम्पैक्ट। अब मैं आपको इसकी पिगमेंट्स दिखाऊंगी। दिस इज़ द बेबी पिंक वन। कुछ इस तरीके का आपके पिगमेंट्स आएंगे। एंड अनदर वन इज़ दिस न्यूडिस पिंक। इसका पिगमेंट कुछ ऐसा है। तो अगर आपको ब्लशेस जैसे बहुत ज़्यादा भड़कीले ब्लशेस नहीं पसंद हैं, लाइक मेरे पास एक और ब्लशर पैलेट है जिसके जो कलर्स हैं वो काफ़ी मतलब बहुत ब्राइट ब्लशर्स है बहुत ज़्यादा। अगर आपको इस टाइप के ब्लशेस लगाने नहीं अच्छे लगते हैं इतना डार्क कलर, तो आप डेफिनेटली ये वाला ब्लशेस ट्राई कर सकते हैं। बिल्कुल आप दोनों को मिक्स करके सिंगल लगाएंगे ना तो बिल्कुल हल्का सा लाइट पिंक सा नेचुरल वाला इफेक्ट आता है। ये ऐसा नहीं लगता कि अलग से चीक्स पे कुछ एकदम रेड रेड या बहुत ज़्यादा डार्किश कुछ लगा हुआ है। दिस इज़ द वेरी नेचुरल एंड सॉफ्टेस्ट कलर ऑफ ब्लशर्स। सो आई एम गोइंग टू शो यू द कॉन्टोर। तो ये वाला जो है पहले मैं ये शो करूँगी। द पिगमेंट एंड सेकेंड आपको यहाँ पे एक कंट्रोल मिलेगा। यस, ये भी एक कंट्रोल है। लाइक अगर आप बहुत ही हार्श कंट्रोल नहीं चाहते हो तो आप क्या कर सकते हैं कि इस ब्राउन को और इस लाइट ब्राउन को दोनों को मिक्सअप करके आप लगा सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपको एक लाइट सा आपको एक कंट्रोल इफेक्ट मिलेगा। सो यस, ये और ये आप मिक्स करके लगाएंगे तो आपको ज़्यादा हार्श कंटूरिंग इफेक्ट नहीं मिलेगा, बट आप इसे सिंगल लगाएंगे तो थोड़ा सा हार्श लुक आएगा। नाउ मूव ऑन टू द हाइलाइटर। सो फर्स्ट वन आई एम गोइंग टू स्वॉच दिस। यहाँ पे स्वॉच करती हूँ। एंड सेकेंड वन इज़ दिस सिल्वर हाइलाइटर। मैं यहाँ स्वॉच कर देती हूँ। सो गाइज, ऑनेस्टली मुझे इस पैलेट का ब्लशर अच्छा लगा, कंटूर कलर्स अच्छा लगा, पर मुझे हाइलाइटर बिल्कुल बकवास लगा। क्योंकि हाइलाइटर ये कम और मुझे पाउडरी ज़्यादा लग रहा है। क्योंकि आप देख सकते हैं जब मैंने इसे लगाया तो ये शाइन तो कर रहा है लेकिन ऐसा लग रहा है कि कुछ पाउडर है और उसके ऊपर से ये शाइन आ रहा है। बिकॉज यू कैन सी ये जो गोल्डन वाला शेड है, मैं इसे भी आपको यहाँ पे लगा के दिखाऊंगी। इसमें ना मतलब पाउडर ज़्यादा है इंस्टेड ऑफ सम बहुत ही फाइन ग्लिटर्स हैं, लेकिन उसमें पाउडरी इफेक्ट ज़्यादा है। आप अलग से लगाओगे ना तो आपको वहाँ पे शाइन तो दिखेगा, पर एक हाइलाइटर की जगह एक पाउडर का ऐसा लगेगा कि आपने पाउडर का स्वाइप भी कर लिया हो हाइलाइटर के साथ साथ। सो ऑनेस्टली मुझे इसका हाइलाइटर बिल्कुल बकवास लगा। बट यू कैन यूज़ इट एज अ सिंगल आई शेडो। आप अगर ये वाला सिंगल स्वाइप कलर करके आप अपने लिट पे लगाओगे ना हैंड से या ब्रशेस से, तो ये बहुत ही नेचुरल एकदम बहुत अच्छा लगेगा। बस आई लिट पे हल्का हल्का ये लगा लो। ना आपको शिमर का ज़रूरत पड़ेगा, ना कोई अलग से न्यूट का ज़रूरत पड़ेगा। ये आपका एक आई शेडो का बहुत ही अच्छा सा आई शेडो बन जाएगा। सो नाउ मूव ऑन टू द कॉम्पैक्ट। सो हेयर इज टू कॉम्पैक्ट। दिस वन इज़ द लाइट बेज कलर एंड दिस इज सम इवोरी कॉम्पैक्ट। तो मैं आपको इसकी भी स्वॉचेस दिखा देती हूँ। वाइट वाला।
सो गाइज, मेरा फाइनल कंक्लूजन ये है कि इफ़ यू आर समवन जिसे बहुत ज़्यादा मेकअप डार्क डार्क वाला नहीं पसंद, बट उन्हें मेकअप करना है पर बहुत डार्क वाला मेकअप नहीं करना है, सो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट, क्योंकि आपको इसमें दो ब्लशर्स मिल जाएंगे जो कि बहुत लाइट सा और नेचुरल सा लुक देगा, आपको दो कॉन्टोर मिल जाएंगे, एक थोड़ा डार्क मिल जाएगा और एक उसको थोड़ा सा लाइट करने के लिए ये लाइट वाला कॉन्टोर मिल जाएगा, ताकि आप इसे मिक्स एंड मैच करके अपने कॉन्टोरिंग को अच्छे से कर सको। आपको इसमें दो हाइलाइटर मिल जाएगा। आई पर्सनली डू नॉट सजेस्ट टू यूज़ इट एज अ हाइलाइटर, बट यू कैन डेफिनेटली यूज़ इट एज एन आई शेडो, इट विल रियली वर्क्स वेल विथ आई शेडो। देन आपको यहाँ पे दो कॉम्पैक्ट मिल जाएगा, फर्स्ट वन इज़ बेज एंड सेकेंड वन इज़ इवोरी, सो येस इट इज़ अ गुड किट। सो येस आई विल सजेस्ट हु डोंट लाइक डार्किश मेकअप, बहुत ज़्यादा हेवी मेकअप जिन्हें नहीं पसंद, अगर आपको हल्का नेचुरल लाइट मेकअप पसंद है तो आप ये किट बिल्कुल बिल्कुल ले सकती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।